हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो भारत में। दोस्तों, आज आर्मी जीडी के हम क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि इंडियन आर्मी में पूछे गए हैं। आज आपके लिए कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं, इसलिए आप अपने यूट्यूब चैनल हेलो भारत में बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, अब हम अपने समय को बिना गंवाए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार के डाडाट के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार डाडाट के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ए सिनेमा, बी चित्रकला, सी शिक्षा, डी संस्कृति। आपका करेक्ट आंसर होगा ए सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा जगत में दिए जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है। आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी श्री पी चिदंबरम, सी यशवंत सिन्हा, डी श्री कमलनाथ। आपका करेक्ट आंसर होगा डी श्री कमलनाथ। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। आपका क्वेश्चन है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कोचीन। आपका करेक्ट आंसर होगा बी दिल्ली। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं। आपका क्वेश्चन है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन हैं ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी गोल्फ, डी बिलियर्ड। आपका करेक्ट आंसर है सी गोल्फ। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डाट डाट भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए मलयालम, बी तेलुगु, सी गुजराती, डी तमिल। आपका करेक्ट आंसर होगा ए मलयालम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं ए बीजिंग, बी टोक्यो, सी ब्राज़ील, डी मास्को। आपका करेक्ट आंसर है टोक्यो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो 2020 में ओलंपिक खेल था, इसे कोविड-19 की वजह से बढ़ाकर 2022 में कर दिया गया है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। आपके ऑप्शन हैं तमिल, बी केरल, सी मिजोरम, डी लक्षद्वीप। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल।
केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपका क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी थल सेना अध्यक्ष। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। आपको ये पता होना चाहिए, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी नरेश शर्मा, ऑप्शन सी है रवि शर्मा, ऑप्शन डी राहुल शर्मा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अरुण जेटली, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? आपका क्वेश्चन है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? आपका ऑप्शन है ए सोन, बी महानदी, सी गोदावरी, डी नर्मदा। आपका करेक्ट आंसर होगा डी नर्मदा। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? आपका क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? ए मैकमोहन लाइन, बी चीन लाइन, सी डूरेंड लाइन, डी 17 पैरेलल। आपका करेक्ट आंसर है ए मैकमोहन लाइन। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी वल्लभ भाई पटेल। आपका करेक्ट आंसर होगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपका क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी कोलकाता, डी गोवा। आपका करेक्ट आंसर होगा सी कोलकाता। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हम बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी असम, डी ओडिशा। आपका करेक्ट आंसर होगा सी असम। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम आपके लिए डेली एक एक सेट पेपर लाएंगे, जिसे
आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब कोई वीडियो इस पर पड़े तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।